प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एज वी हैव नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बिकॉज इट इट्स डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड और द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सॉलिड्स दैट्स व्हाई दे शोड डिफरेंट प्रॉपर्टीज देर आर टू कॉमन प्रॉपर्टीज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज and another is magnetic properties. Let's see first electrical properties. आपने physics में भी हालांकि इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा. As we know that on the basis of electrical conductivity, solids can be classified into three categories. These are conductor, insulator and semiconductor. There is a range. In the previous chapter we have talked about conductivity in solution and there is a range like 10 to power 4 to 10 to power 7 ohm inverse meter inverse for the conductor, 10 to power minus 20 to 10 to power minus 10 ohm meter inverse for insulator. ठीक है. एंड फॉर सेमी कंडक्टर दिस रेंज इज 10 की पावर माइनस 6 टू 10 की पावर 4 ओम मीटर इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है. तो कंडक्टर्स को सभी जानते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इनके बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम. जैसे कॉपर है, Ag है, ये सब क्या है आपके मेटेलिक कंडक्टर हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. Here conduct for the conductivity ions are responsible. Only in aqueous solution or molten state they can conduct electricity and they allow electricity to pass through them undergoing chemical change. यानी जब भी electricity pass होगी तो इनमें chemical change होगा. लेकिन यहाँ ऐसा कोई chemical change नहीं होता. आपको याद आ रहा होगा कि हमने 11th class के अंदर electrochemical cell पढ़े थे. ठीक है. तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल चेंज भी करा सकते थे और केमिकल चेंज करके केमिकल रिएक्शन होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती थी, है ना. तो ये वो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी बोलते हैं. नाउ द फोकस विल बी ऑन सेमी कंडक्टर. सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो किस पर करना है, सेमी कंडक्टर का. तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ टिपिकल मेटेलिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं आपके और जो इंसुलेटर हैं उनके बीच की जो रेंज है, उनके बीच की जो रेंज है वो किसको शो करेगी, सेमी कंडक्टर्स को. एंड जनरली दिस कंडक्टिविटी इज ड्यू टू डिफेक्ट और इम्प्योरिटी. तो ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं. ठीक है. तो किसी तरह के डिफेक्ट हो या इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो वहाँ पर जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं. सेमी कंडक्टर्स को वी कैन क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एंड अनदर इज एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर. व्हाट इज इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर. इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर वी विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक सपोज हियर इज अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, इन विच सिलिकॉन एटम इज अरेंज इन दिस वे. वी नो दैट सिलिकॉन कम्स इन 14th ग्रुप एंड देर इज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं. एंड ड्यू टू दिस फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल सिलिकॉन एटम फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर. सिलिकॉन एटम फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर बट वैन वी हीट
ठीक है, व्हेन वी हीट इट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, इसके बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा उस समय यहाँ पर एक पॉजिटिव होल छोड़ देगा, है ना, एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव होल, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, पॉजिटिव होल का मूवमेंट होता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द इंट्रासाइटिस ऑफ लैटिस एंड द पॉजिटिव होल जंप फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर लाइक इट, ऐसे ये पॉजिटिव होल यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो ऐसे यहाँ पर ये मूवमेंट होता रहेगा और कंडक्टिविटी यहाँ पर शो होती रहेगी। तो इसी को हमने बोला इंट्रेंसिक कंडक्टिविटी, बट जो ये कंडक्टिविटी होती है ये बहुत लो होती है, वेरी लो, तो इसका हम अपने लिए कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, वी कैन नॉट यूज़ इट कमर्शियली टू एनहांस दी कंडक्टिविटी, ठीक है। हमें जब इन सॉलिड सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करनी होती है, ठीक है, टू एनहांस द कंडक्टिविटी बाय वी कैसे करें, अब हम वी हैव टू एड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, टू एनहांस दी कंडक्टिविटी वी हैव टू एड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि डोपिंग क्या होती है, अभी देखो यहाँ पर केवल सिंपल सिलिकन के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ क्या करनी है, इसकी कंडक्टिविटी कैसी थी, बहुत लो थी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, कराने के लिए हम हीटिंग कर रहे थे, हालांकि बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, उसमें जो कंडक्टिविटी की रेंज आती है वो स्लो आती है, तो उसको एनहांस करने के लिए हमने क्या किया, प्रॉपर अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग, क्या बोलेंगे इसको, डोपिंग। अब जो डोपिंग है, क्या हम कभी भी किसी से भी कर देंगे, नहीं, देयर आर सर्टेन जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर दी डोपिंग, ठीक है। तो जब हम डोपिंग करते हैं तो उसमें हमें या दो तरह के कंडक्टर्स मिल जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जो एक्सट्रिंसिक कंडक्टर हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, डॉपिंग पर बेस्ड हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज एन टाइप कंडक्टर एंड पी टाइप कंडक्टर। अब फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर हो गया एन टाइप कंडक्टर एंड पी टाइप कंडक्टर, और जनरली जो सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं वो कौन है, जर्मेनियम और सिलिकन। जर्मेनियम और सिलिकन जो है बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियली एग्जाम्पल्स हैं सेमी कंडक्टर के, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो इंट्रेंसिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी स्लो होने की वजह से हमने डोपिंग की, और डोपिंग करने से हमें दो तरह के एक्सट्रेंसिक कंडक्टर मिले, सेमी कंडक्टर मिले, एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। तो जो एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स मिले, इसे बनाने के लिए हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी जो हमने ऐड की है, वो इम्प्योरिटी भी दो तरीके की हो सकती है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करें, ठीक है, और या फिर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दो तरह की इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड की जा सकती है, या तो ऐसे एलिमेंट ऐड करेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, या ऐसे एलिमेंट ऐड करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप मिलता है। एन का मतलब यहाँ पर नॉर्मल। तो जब नॉर्मली, वैसे भी आपको पता है कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। तो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो तो नॉर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से हमें एन टाइप कंडक्टर मिलता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
होने पर हमें पी टाइप, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल जो पॉजिटिव होल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम पी टाइप कंडक्टर बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी क्या है। ठीक है, लेट्स सी।